जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज मैं आपको जो लिस्ट बताने वाला हूं वो प्रमोशन वाली लिस्ट है दोस्तों, कि वर्ग दो में कितने टीचर प्रमोशन ले रहे हैं, कितनी वैकेंसी खाली हैं और कौन से स्कूल में। अब सोशल साइंस वालों पर भी संकट आ गया है दोस्तों, क्योंकि उसकी भी लिस्ट आ गई है और कुछ जो टीचर हैं उन्होंने भी सिलेक्ट किया है सोशल साइंस। पूरे मध्य प्रदेश की लिस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ और बाकी जो लिस्ट कंप्लीट होकर आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा दोस्तों ये लिस्ट, जिसने कि अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। और तमाम वो अतिथि शिक्षक जो कि स्कूलों में सेवा दे रहे थे बड़े लंबे अरसे के बाद, अब उनको कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है इस लिस्ट से। और आप देख सकते हैं भाइयों, लिस्ट में आपको स्क्रीन पर बताऊंगा, टोटल लिस्ट आपको बताने वाला हूं, आप देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश के वो तमाम अतिथि शिक्षक, जैसे कि सोशल साइंस की लिस्ट भी आ चुकी है, मैथ इंग्लिश यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको क्लियर बताता हूँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन फिर भी मैं आपको, और अगर आपको ये लिस्ट पूरी चाहिए तो टेलीग्राम पर अगर आप मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो मैं इस पर डालने वाला हूँ, जिससे कि आपको ये लिस्ट मिल जाएगी भाइयों। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो लिस्ट है आगर मालवा, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया है, तमाम सब्जेक्ट हैं, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीली लाइन दिख रही है जो पट्टी, वहाँ पर ये स्कूल सिलेक्ट हो चुके हैं और जो सफ़ेद वाली लाइन है इस पर सिलेक्ट नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं तमाम वो अतिथि शिक्षक इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट है, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत और मिडिल स्कूल में आप देख सकते हैं जो कि काउंसलिंग हुई है और काउंसलिंग में जिनने स्कूल सिलेक्ट कर दिए हैं वहाँ पर ये लाइन आ चुकी है। और वहाँ की जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं ये स्कूल अभी सेफ बचे हुए, यानी इस स्कूलों पर अभी कोई भी काउंसलिंग नहीं हुई है, पद रिक्त बचा हुआ है आप देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगर मालवा की बड़ी लिस्ट है, और जैसे कि एक संकुल में 100 या 150 या 200 अतिथि शिक्षक काम कर रहे थे, वो अतिथि शिक्षक अब बाहर हो चुके हैं और वर्ग तीन का पद रिक्त हो चुका है। जल्दी से जल्दी लोक शिक्षण संचालनालय को एक आदेश जारी करना चाहिए कि जो अतिथि शिक्षकों के पद रिक्त, अतिथि शिक्षकों की जगह पर नियमित टीचर आए हैं, उन नियमित टीचर से जो पद रिक्त हुए वहाँ पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाए। आप देख सकते हैं दो स्कूल हैं यहाँ पर, आप भिंड के देख सकते हैं। और तमाम ज़िले की लिस्ट है दोस्तों, बड़ी लिस्ट में आपको बता रहा हूँ, आप खुद स्क्रीन पर देखते जाइएगा। और जैसा कि 80% स्कूलों में काउंसलिंग हो चुकी है, बाकी 20% स्कूल बचे हुए हैं, और 20% भी नहीं 10% स्कूल बचे हुए हैं जिन पर कि अभी कोई काउंसलिंग नहीं हुई है। और इस लिस्ट से हजारों अतिथि शिक्षकों का भविष्य खराब हो चुका है। अब मैं आपको देखना चाहता हूं दोस्तों, सुसनेर, आगर मालवा और यहां पर जो जगह और डाइस कोड, और यहां पर ये जगह भर गई है नियमित टीचर के प्रमोशन से। ऑफलाइन चल रहे हैं दोस्तों और 15 तारीख तक चलेंगे। इसके बाद में अशोकनगर, और मैं जहां तक स्कूल देख रहा हूं 80% स्कूलों पर काउंसलिंग हो चुकी है। दीपावली के बाद में यहां पर प्रमोशन हो जाएंगे और आदेश आ जाएगा। अभी आदेश इनको होल्ड पर रखा जाएगा, और क्योंकि चुनाव के बाद इनको वहीं पर पहुंचा दिया जाएगा जहां पर इनका प्रमोशन हुआ है। दोस्तों ये लिस्ट तो बहुत बड़ी है, वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी अगर पूरा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस लिस्ट को आप 5 बजे के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम पर इसकी पूरी PDF डाल दूंगा दोस्तों, तो इससे आप देख सकते हैं आपके स्कूल में कि किसी ने काउंसलिंग तो नहीं कर दी है। बाकी भाइयों आप सभी कैसे हैं ज़रूर बताइए, फिर